एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम आकांक्षा सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दौसा, राजस्थान। एंड टुडेज़ वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि वेट कर रहे थे कि जिन्हें लाइक मॉक पेपर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट्स देखे और सब लोग यही बोल रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मॉक पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है या मॉक पेपर को कैसे लाइक कैसे अच्छे से यू नो अटैम्प्ट करके अच्छे से एक अच्छा स्कोर चाहिए। ओके, सो उसके लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। सो टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपना जो नीट का एग्जाम है उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी जर्नी का, एंड आई से द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, वो होता है हमारे मॉक पेपर्स में हमारा स्कोर क्या रह रहा होता है, राइट? बिकॉज हम सबको पता है, सब जब भी मैं कमेंट्स देखती हूँ सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि हमारे 500 का स्कोर आ रहा है या 530 आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो लाइक आई नो कि अपना जो रिजल्ट आता है, जो अपना मॉक पेपर में जो यू नो अपना स्कोर होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑलवेज बिलीव मी, जब मैं ये कहती हूँ, आपकी जो मेहनत होती है उससे कई बार ऐसा होता है कि हमारे नंबर कम आते हैं, बिकॉज ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं इतना ज़्यादा पढ़ के जाती थी, एंड जब कभी नंबर कम आ जाते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने अच्छे से पूरा सारी एनसीईआरटी पढ़ी है, बट स्टिल पेपर में ऐसा हो गया कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया और उसकी वजह से मेरे नंबर कम आ गए, तो देन वो बहुत बुरा लगता था। ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको जितना हो सके अच्छे से जो मैंने खुद अप्लाई किया था अपने मॉक पेपर में अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए। एज यू ऑल नो कि जो मेरा लास्ट मॉक पेपर मैंने दिया था नीट से लाइक 7 डेज के पहले, उसमें मेरा जो स्कोर था वो अराउंड 529 या 530 था। एंड आफ्टर दैट 7 दिन के बाद जब मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया, उसमें आई स्कोर 631। सो मैंने क्या चीज़ें की थी, क्या मैंने अलग चीज़ें की थी अपने, बिकॉज आई नो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लाइक होता है कि आप कुछ चेंजेस करें अपने जो आपने कभी मॉक पेपर में नहीं किया, वैसे अगर आपने नीट में किया तो उस पर थोड़ा रिस्क होता है। बट आई विल से कि रिस्क लेना जरूरी था, बिकॉज अगर मैंने सेम जो मैंने अपने मॉक पेपर में किया वही मिस्टेक्स अगर मैंने अपने नीट एग्जाम में की होती तो आई नो आई विल नॉट गेट अ गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। सो व्हाट लाइक मैंने क्या किया था, मैं अभी आपको वही बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट अपने जो मॉक पेपर होता है उसे अटेम्प्ट लाइक स्टार्ट कैसे करना होता है। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले देखो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम बायो और दे स्टार्ट फ्रॉम लाइक केमिस्ट्री, और कुछ हो सकते हैं मे बी दे लाइक जो कि फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो आई विल एडवाइज यू, सिंस आपको डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रांग क्या है, लाइक आपका बायो स्ट्रांग है या आपका फिजिक्स स्ट्रांग केमिस्ट्री स्ट्रांग है। ओके, अगर आपका बायो स्ट्रांग है तो वेल एंड गुड, बायो से स्टार्ट किया करो हमेशा पेपर, बिकॉज देखो क्या होता है, बायो जल्दी से लाइक सॉल्व कर लेते हैं अपन, अराउंड 30 to 40 minutes में अपन बायो सॉल्व कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने कई बार ऐसा किया था जस्ट यू नो गेट लाइक लिटिल एक्सपीरियंस और थोड़े चेंजेस करके देखने के लिए, कि मैं पहले केमिस्ट्री को लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट किया करती थी कभी कभी, उससे भी मेरा पेपर सही होता था, मतलब कभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। फिर मैंने देखा कि यार ज़्यादा तो कुछ यू नो प्रोग्रेस दिख नहीं रहा था मुझे, तो वट आई डिड कि मैंने फिर बायो के साथ ही कंटिन्यू रखा, बिकॉज समटाइम्स वट आई यूज टू डू कि मैंने पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने देखा कि यार मेरा केमिस्ट्री इतनी जल्दी हो गया बट मेरे कुछ फिजिकल के क्वेश्चन रह जाते थे और उनकी वजह से मुझे टाइम लग जाता था। तो वट आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं पहले सिंस मेरा बायो भी बहुत अच्छा है तो आई विल स्टार्ट विद बायो। तो सबसे पहले मैं हमेशा अपना लाइक मेरा जो भी मॉक पेपर होता था हमेशा बायो से ही स्टार्ट करती थी। एंड आई से कि मोस्ट ऑफ द बच्चे वही करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे स्टार्ट द पेपर फ्रॉम लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग विद बायो। एंड आई थिंक अगर आपने बायो में अच्छे से कर लिया तो आपको इतना ज़्यादा गुड स्टार्ट मिलता है, वो जो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस आपको अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देता है। सो दिस इज द मेन रीजन कि बहुत लाइक सारे स्टूडेंट्स ही बायो से स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप आई नो आपकी फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, दे आर लाइक मेनी स्टूडेंट्स इनकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी होगी, बट स्टिल ट्राई टू मेक श्योर कि आप बायो से स्टार्ट करें, बिकॉज देखो यार आपको ना नीट इज लाइक अबाउट ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, अपन को तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना होता है। तो आई से कि सबसे पहले अपनी बायो अच्छे से कर लो, बिकॉज अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आई एम श्योर कि आपकी बायो तो काफ़ी अच्छी होगी। सो वट यू हैव टू डू इज दिस, दैट सबसे पहले बायो से स्टार्ट करो। नाउ टॉकिंग अबाउट बायो को कैसे करना है, अगर जैसे हम बायो को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप उनको बायो को सॉल्व करना होता है तो पहले ये मत डिसाइड, प्री डिसाइडेड मत रखा करो कि मेरे को लाइक 25 मिनट्स में बायो को कंप्लीट करना है, 30 मिनट्स में करना है या 15 या जो भी आपका टाइम सीक्वेंस है, बिकॉज देखो पेपर डिफरेंट डिफरेंट तरह का आता है। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे या लाइक कभी भी ऐसा हो सकता है कि पेपर लेंदी आ जाए, फॉर एग्जांपल यू वी डोंट नो कि नीट का पेपर कैसे आने वाला है, लाइक अगर ये ज़्यादा लेंदी आ जाता है, ज़्यादा इसमें यू नो लाइक बहुत बड़े बड़े यू नो ऑप्शंस होते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न उससे आपको टाइम लग सकता है, तो उस टाइम पे टाइम नीडेड होता है। तो आपको ये करना होता है कि सबसे पहले ये देखो कि पेपर कैसा है, एक बार देख लिए पूरी क्वेश्चंस की, हाँ यार पेपर तो शॉर्ट लग रहा है या पेपर थोड़ा लेंदी है, उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवोट करो। ओके, और कभी भी ये मत सोचो कि मैं बायो को कम टाइम दूंगा, बिकॉज देखो यार बायो 360 मार्क्स लाइक आपका 50% स्कोर तो बायो से ही आने वाला है, तो ट्राई टू डिसाइड कि मैं बायो में तो 360 ही लाके रहूँगा, और उसके लिए मुझे अगर 25 मिनट्स लग रहे थे, उसके लिए अगर मेरे को 30 लग रहे हैं, 35 लग रहे या 40 लग रहे, डजंट मैटर, बिकॉज 50% स्कोर इज अ बिग ह्यूज स्कोर। अगर आपकी 360 आउट ऑफ 360 आते हैं बायो में तो आप एक लाइक आप बहुत आगे हो जाते हो काफ़ी लोगों से। सो दैट इज़ द रीज़न कि बायो में ये मिस्टेक नहीं करनी कि सबसे पहले कम टाइम में करना है। तो मिस्टेक नंबर वन वुड बी दिस कि अगर आपको अगर कम टाइम दे रहे हो बायो को तो अभी से डिसाइड करो कि नहीं मैं बायो को एकदम प्रॉपर टाइम दूंगा। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग,
देखो भाई, मैं कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी नीट के एग्जाम में भी मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं अपना पेपर सॉल्व कर रही थी तो कई एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को फर्स्ट टाइम पे नहीं आए थे। एंड बिलीव मी, एक दो नहीं, जब मैं जैसे अपना लाइक जूलॉजी का पेपर स्टार्ट किया था तो उसमें शायद अराउंड जो सिक्स और सेवन नंबर का क्वेश्चन था वो मेरे को नहीं आ रहे थे, बिकॉज आई डोंट नो, वो शायद एनसीईआरटी से थोड़ा सा यू नो मॉडिफाइड ज़्यादा था या वट वॉज द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट। सो वैसा हुआ कि मेरे को वो थोड़ा उसमें डाउट आया, तो फिर मैंने क्या किया, देखो हमेशा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तीनों के लिए अप्लाई होती है, बायो के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के लिए। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो फर्स्ट अटैम्प में वो क्वेश्चन सॉल्व करो सारे आपने करते गए करते गए, जो आपसे फर्स्ट बार में अच्छे से हो रहे हैं, जिनमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये तो मेरे से हो ही जाएगा, ओके। उसके बाद आपको सेकंड, जब आप सेकंड गो अपना जो सेकंड राउंड आते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बायो सॉल्व कर लिया पूरा, ओके मेरे हो गए। अब इनमें से लाइक अराउंड फाइव क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे दोनों में लाइक जूलॉजी और बॉटनी दोनों में मुझे नहीं आए, ओके। सो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उन फाइव क्वेश्चन को एक बार देखूंगी, फिर मैं उन्हें थोड़ा सा सोच के और आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि अब वो मेरे से हो जाए। बिकॉज देखो क्या होता है, जो फर्स्ट बार में नहीं होते ना उनमें अपन को थोड़ा सोचना पड़ता है, तो अपन उन्हें थोड़ा सा टाइम देंगे सेकंड राउंड में सो दैट वो अपने हो जाए। उसके बाद जैसे ही मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आई विल मार्क द ओएमआर, लाइक मैं ओएमआर फिल करूंगी, बिकॉज ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। लाइक ट्राई टू मेक श्योर कि यार अपनी है ना, जैसे आप अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो उसके साथ ओएमआर भी फिल कर दो, सो दैट आपका आधा प्रेशर खत्म कि यार मैंने 360 मार्क्स की ओएमआर तो ऑलरेडी फिल कर लिए। और जब ओएमआर फिल करो तो एकदम आपको आराम आराम से करना, जल्दी नहीं करनी। आई नो काफ़ी लोग बहुत जल्दी करते हैं उसमें वो ओएमआर में, या तो गलत, लाइक मेरे साथ ये खुद के साथ हुआ है ये मिस्टेक कि मैंने अपनी ओएमआर गलत फिल कर दी थी एंड जिसकी वजह से मेरे लाइक आई लॉस्ट माई फाइव मार्क्स, तो वो वाली मिस्टेक हो गई थी। बट उसके बाद भी स्टिल आई गॉट द गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, सो आई एम वेरी लकी फॉर दैट। मैं ये कहूँगी कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज देखो यार ओएमआर की मिस्टेक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है। अगर आप ओएमआर में अपने नंबर गवा रहे हो तो देन तो आपके पढ़ने का वो पूरा यू नो, बिकॉज पांच नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे एक नंबर पे यू नो 1000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है, तो दैट इज द रीजन आपको ओएमआर की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। कमिंग टू द सेकंड थिंग, केमिस्ट्री के लिए, अब केमिस्ट्री में व्हाट वी हैव, बायो में इतना ही करना है। अब सबसे पहले पूरे किया, फिर फर्स्ट राउंड में जितने हुए वो कर लिए, सेकंड राउंड में जो नहीं हुए आपसे उन पर सोच के करना है। अगर लग रहा है कि यार ये अभी भी नहीं हो रहा तो उन्हें फिर बात के लिए छोड़ दो और जो जितने कर लिए उनको ओएमआर में फिल कर दो। कमिंग टू द सेकंड अपने पास केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए ऐसे सबसे पहले इनऑर्गेनिक को कर लो, इनऑर्गेनिक की मतलब जैसे जैसे आप अपने फ्लो में हो वैसे करते जाओ। फिजिकल के भी क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें लेंदी होता है, तो पहले जो इजी क्वेश्चंस है उन्हें करो, राइट। आपने इनऑर्गेनिक कर लिया और हमेशा जब भी आप इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन कर रहे हो सारे ऑप्शन पढ़ा करो, राइट। कहीं पे भी कैच हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने क्या पूछा और आपने क्या कर दिया, ओके। सो ये करना है और ऑर्गेनिक में हमेशा देख देख के समझ समझ के, उसके बगल में अगर आपके पास पूरा आपको लगता है कि यार ये रिएक्शन मैकेनिज्म में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बन रहा है, बट फिर भी एक बार सॉल्व कर लो पूरा कि यार ये पहले यहाँ पे ये आता है, ये इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ऐसे बनता है, सो दैट कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, ओके। एंड कमिंग टू लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं ऑर्गेनिक में जो कि थोड़े आपको लगेगा कि यार ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उनको बात के लिए छोड़ देना, बिकॉज हमारे टाइम पे भी मुझे एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे बेसिकली, सो दैट इज द रीजन कि हो सकता है, बट स्टिल उनको देख के पैनिक नहीं होना है। केमिस्ट्री वुड बी अ ग्रेट अगर आप उसे फर्स्ट गो में अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड गो में लाइक वो क्वेश्चन छोड़ो जो कि आपसे नहीं हुए, एंड देन कमिंग टू यही सेम स्ट्रैटेजी आपको उसके लिए अप्लाई करनी है। फिजिकल के लिए ये क्या करो कि बगल में सॉल्व कर लिया करो, पीछे जाके मत सॉल्व किया करो, ये बहुत लाइक इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है आपके लिए, राइट। क्योंकि इनऑर्गेनिक को आपको अच्छे से मार्क कर करके, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा मार्क कर करके कि मेरे को ये पूछा है, फिर चारों ऑप्शन को चेक करो उसके बाद देन गो, बिकॉज आपके पास इसमें कम क्वेश्चन है और इसमें 180 मार्क्स है, 180 में से आपको यू नो जब आपके क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो रिस्क का चांसेस लाइक बढ़ जाते हैं, राइट, और आपके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो इस टाइम पे आपको बहुत जितना ज़्यादा आपने बायो को ध्यान दिया उससे भी डबल ध्यान से आपको केमिस्ट्री को सॉल्व करना है। तो केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा, सबसे पहले इनऑर्गेनिक के हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पढ़ के करना है और सबको मार्क करते जाना है, ओके। देन कमिंग टू फॉर एग्जाम्पल अगर इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसे मार्क कर दो, सेकंड राउंड में देख लेंगे उसे। कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में अगर कोई यू नो प्रोडक्ट लाइक रिएक्शन आई है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बगल में ही उसको बना लो, पीछे जाके नहीं सॉल्व करना। फिजिकल में भी वही सॉल्व कर लो, फिजिकल में अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है और याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या है तो उस कैसे भी करके उसे रिकॉल करने की कोशिश करो, फॉर्मूला को उसके बगल में लिख लो, राइट। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे को इससे रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचो, थोड़ा लाइक जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और फिर उसके बाद फिर उसे सॉल्व करो वहीं पे, पैनिक नहीं होना। बिकॉज आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स जब उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते वो पैनिक होने लग जाते हैं, वो सोचने लग जाते हैं यार मेरा अब सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। यू जस्ट नीड टू गेट अ लाइक ट्राई करो कि मैं मिनिमम स्कोर तक तो पहुंच जाऊं, मैं अपने अभी मैं अगर घबराने लग जाऊंगा या मैं अभी ये सोचूंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे मैं जो स्कोर अचीव कर सकता था वो भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। एंड कमिंग टू फिजिकल, फिजिकल में जैसे अपन फिजिक्स के जैसे सॉल्व करते वही करना है आपको। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स इज लाइक अ सब्जेक्ट जिससे सब आई नो पहले फिजिक्स को सॉल्व करने से पहले आपको डर लगने लग जाता है, ऐसा होता है, मेरे साथ होता था, आई डोंट नो अबाउट यू, बट ऐसा होता है। तो सबसे पहले फिजिक्स में
फिजिक्स में देखो मैं क्या ट्राई करती थी, सबसे पहले मैं ये ट्राई किया करती थी कि जो भी इजी क्वेश्चन है उन्हें मैं सबसे पहले अटैम्प्ट कर लूँ, बिकॉज मेरा यही होता था कि फिजिक्स में आई नीड टू गेट अ मिनिमम स्कोर, मेरा इतना स्कोर आना चाहिए ताकि मुझे एक गवर्नमेंट MBBS सीट तो मिली जाए। तो उसके बाद मैंने ये किया था, सबसे पहले आई यूज टू गो थ्रू कि कौन से क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट बार में हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइक मेरे से हो रहे हैं लाइक अराउंड 20 क्वेश्चन मेरे से पहली बार में हो गए या 25 क्वेश्चन मेरे से हो गए। अब जो रेस्ट क्वेश्चन बच रहे हैं उनके लिए मैं क्या करूँगी, उन्हें करने से पहले आई विल मार्क द OMR। मैंने केमिस्ट्री के लिए OMR फिल कर लिया, मैंने बायो के लिए कर लिया, मेरी फिजिक्स के लिए बच रही है। ओके, सो फिजिक्स के लिए OMR फिल करने से पहले मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में किए थे उन्हें एक बार चेक किया कि हाँ सही है। और हमेशा ट्राई किया करो कि जब आप OMR भरने वाले हो ना उससे पहले एक बार देख लिया करो अपने क्वेश्चन को कि हाँ यार इसमें ये सही है, मैंने सही किया है, मतलब एक बार एक यू नो री रीडिंग टाइप कर लिया करो सो दैट कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। बिकॉज कई बार देखो यार ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मिस्टेक सबसे होती है, तो उन मिस्टेक को रिड्यूस करना अपने ही हाथ में होता है। सो दैट इज द रीजन मैं ये बोल रही हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में सबसे पहले आपने फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन ईजी थे वो आपने कर लिए, सेकंड राउंड में अब देख लो उन क्वेश्चंस को एक बार कि हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं, फिर से OMR में फिल कर दो। अब जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हैं उन्हें करो, उन्हें करने से ये करो कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा ना उसमें याद रखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो पहले कर लो। अगर किसी में कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो उसे बाद के लिए बचा के रखो कि यार इसको मैं बाद में करूँगा जब मेरे पास सिर्फ फिजिक्स बचेगी जिसमें मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हो जाएगा। तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन में रिकॉल करने का ट्राई करो कि कहाँ से आया है क्वेश्चन, ये कैसे होगा, इसमें क्या मुझे अप्रोच लगाना है। ओके, एंड अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होता, तो आप उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलाज है उन्हें एक बार लिख के एक बार सोचो कि यार इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज थे तो ये कैसे डिराइव हो सकता है। और हमेशा फिजिक्स में सॉल्व करते वक्त एक तो ये रखा करो कि जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया कि इसमें ना लाइक फॉर एग्जांपल एफ आपको फोर्स दिया है एंड यू आर गिवन मास या एक्सेलरेशन, या आपको वर्क दिया है एंड यू आर गिवन लाइक की काइनेटिक एनर्जी दिए है, या फिर एज वी ऑल नो कि वर्क इज इक्वल्स टू डेल्टा हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा होता है, एंड लाइक फोर्स इक्वल्स टू एम ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस, तो ऐसे रिलेशन लग रहे होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में ये सोचा करो कि यार मेरे को उसमें वैल्यूज क्या दिए, अगर मेरे को फोर्स दिया है और मेरे को डिस्प्लेसमेंट दिया तो इट मीन्स कि मुझे डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस लगाना है, या मेरे को वेलोसिटी दी है और मेरे से लाइक वर्क दिया है और मेरे से काइनेटिक एनर्जी, या फिर मेरे से मास पूछा है, या वट एवर द रीजन। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू मेक श्योर सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फिजिक्स में, उसके बाद देखो कि क्या क्या वैल्यूज दी है। मुझे मास दिया है लिख लिया बगल में, मेरे को वेलोसिटी दी है लिख लिया, ओके वर्क पूछा है ओके डन हो जाएगा फॉर्मूला लगाना है। अगर कुछ और कॉन्सेप्ट पूछा है या ये पूछा है कि वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस या फिर चेंज इन वर्क या और कुछ फॉर्मूला लग रहा है तो वो वहीं पर लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद सॉल्व किया करो, सो दैट पता रहे कि क्या मिस्टेक नहीं होगी, उससे बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद एक बार कर लिया उसके बाद पूरे को चेक करो कि यार सही है, हाँ अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं, उसके बाद फिर देन यू नो टेक द आंसर एंड देन गो फॉर OMR। सो दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। नाउ कमिंग टू ये तो तीनों के लिए हो गया, उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले ये ध्यान रखा करो कि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना उन्हें अच्छे से पढ़ा करो। बायो में भी मैंने बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक्स की थी बिकॉज मेरे को पेपर जल्दी अटैम्प्ट करना होता था, आई यूज थिंक कि मेरे को ज़्यादा जल्दी बायो को करना है तो फिर मैं फिजिक्स को कम टाइम दूंगी या फिर मैं केमिस्ट्री को थोड़ा ऐसा जल्दी जल्दी कर लूँगी, तो उससे क्या लाइक ऐसा होता था कि मतलब यार बायो को प्रॉपर टाइम दो, पहली बात तो ये बायो को कम टाइम मत दो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है बट बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट के मोमेंट में अगर आप बायो में मिस्टेक करोगे और बायो में नंबर अगर आपके कहीं पर किसी भी रीजन से कम हो जाते हैं तो दैट विल मेक अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन योर स्कोर। ओके, सो ये करो, उसके बाद केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ के जाओ। केमिस्ट्री में देखो ऑर्गेनिक के लिए आपके पास NCERT है, उससे कुछ नहीं होगा, उसके मतलब उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये आई एम श्योर 100%। एंड कमिंग टू लाइक अपनी ऑर्गेनिक के लिए अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म्स सारी NCERT बेस्ड कर लो, नेमिंग रिएक्शंस कर लो, आपके नोट्स जो आपके पास है दे आर इनफ आई गेस। उसके बाद हमेशा जो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको NCERT की बैक और इंटेक्स करके जाने चाहिए, आई से दोनों के लिए, दैट इज़ फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऑल्सो, फिजिकल के लिए भी करके जाओ। एंड आई से कि है ना देखो केमिस्ट्री अच्छे से करके जाओ NCERT रिलेटेड, बिकॉज जब आपके NCERT वाले सारे क्वेश्चन वापस सही होंगे ना तो आपके बायो का भी अच्छा स्कोर आ जाएगा और आपके केमिस्ट्री का भी। फिर उसके बाद फिजिक्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि यार फिजिक्स थोड़ा टफ आया है मैं मैनेज कर लूँगा, मुझे बस एक गवर्नमेंट MBBS सीट तक ही पहुँचना, तो मेरा वही टारगेट है वो मैं कर लूँगा। सो या दैट्स इट। एंड हमेशा पेपर से पहले पैनिक नहीं होना है, पेपर कितना भी टफ आए सबके लिए टफ आता है, आपके लिए टफ नहीं आता, यू आर नॉट अलोन जिसके लिए पेपर टफ आएगा। और कई लोगों की प्रिपरेशन आई नो आपको लग रहा है कि कई लोग मेरे से ज़्यादा टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग वो भी होंगे जो आपसे बाद में स्टार्ट किया जिन्होंने, या जिन्होंने आपसे ज़्यादा कम हार्डवर्क किया है, तो अपने आपको कभी भी इन्फीरियर फील नहीं कराना, हमेशा ये देखना कि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ पहुँचने के लिए तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, और जो बाद में होगा देखो रिजल्ट आएगा ना तब की तब देखी जाएगी, उससे पहले कोई डिसाइड नहीं करेगा कि आपका कैसा गया। आपको सिर्फ अपने पेपर में यही ध्यान रखना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मेरे को अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करके आना है, उसके बाद बस दस सेट मेरा काम खत्म, फिर मैं जो होगा देखा जाएगा, जो रिजल्ट होगा वो बाद की बात है, मेरा अभी यही है कि मुझे अपना पेपर अच्छे से करके आना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।